ये कौन चिल्लाया? कल्पेश तू आया? महेंद्र भाऊ ये कल्पेश तुआया कौन है? कल्पेश जो सगाई में आया था उर्मिला का कजिन है और उसके साथ जो उसकी वाइफ है वो मेरी कजिन है और दोनों बच्चे गायत्री के कजिन है। वो बरोबर है, वो मैं समझ गया, लेकिन ये लोग सामान विमान के साथ में आए हैं। वो क्यों आए मुझे पता नहीं अन्ना भाई, पूछना पड़ेगा। कल्पेश? अरे उर्मिला इधर क्या कर रहा है मतलब? अरे ये जीनल मिनेश और जीनल की मम्मी सगाई में नहीं आए थे तो बुरा लगा होगा ना तुम लोगों को, इसीलिए शादी के लिए मैं सबको लेकर आया हूँ, है ना जीनल की मम्मी? हाँ मिनेश के पापा। साचो अरे संभाल के खंबा टूट जाएगा। पर शादी को तो अभी बहुत टाइम है कल्पेश। अरे उर्मी बेन तो हमको कहीं जाने की कहाँ उतावल है? पप्पा? हाँ जीनल नी मम्मी, अब तो शादी तक हम सब लोग इधर ही रुकेंगे। अहो मैं शांत ही हूँ। हेलो हेलो छोकरो अभिषेक, तुम बाहर निकलो। क्या बाहर निकलो, बाहर निकलो, मुझे तो मस्त मजा आ रहा है यहाँ पे। गायत्री मैं कहता हूँ तुम भी अंदर आ जाओ, देखो ना क्या माहौल है, बिनी बिनी अचार की खुशबू और तुम्हारी और मेरी मीठी मीठी बात। सोचो गायत्री सोचो, हे रांझा लैला मजनू रोमियो जूलियट, किसी ने भी इस तरह का रोमांस नहीं किया होगा कपाट में जो हम करेंगे। हम एक नया इतिहास लिखेंगे गायत्री, नया इतिहास। इतिहास अंकल को पता चला ना तो तुम्हारी ज्योग्राफी बिगाड़ देंगे। बाहर आओ अभिषेक। अरे किसी को नहीं पता चलेगा, तुम अंदर आओ। तुम बाहर आओ अभिषेक। अरे बात तो सुन अंदर आओ। अभिषेक बात सुन बाहर आओ। भाई 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 अचार अचार बेटा, तुम मेरे अच्छे अचार बेटा हो ना, बाहर आओ बाहर आ जाना। गायत्री तुम अचार से बात कर रही हो? हाँ अचार नींबू मिर्ची सब में जीव होता है, सच्चे मन से बात करो ना तो वो सुनते हैं हमारी बात। आपको ट्राई करना है? मिला हम लोग पहले गए थे तुम्हारे घर पे ही, लेकिन वहां जाके हम लोग को पता चला कि आजकल आप यहाँ रह रहे हो तो हम लोग यहाँ आ गए। उत्तम उत्तम नहीं कल्पेश, हुई गए सगाई में आया था, ये लोग नहीं आए थे तभी। ये मेरी वाइफ है रूपल, वो मेरी बेबी है जीनल, और वो मेरा बाबा है मिनेश। बेबी बाबा बरोबर। अरे क्या 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 हो गया भाई? अरे मोटा भाई पैर छू रहे आपके। हाँ है, लेकिन ऐसे मेरे पे छू करने से पहले मुझे जरा बता दिया करो। क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, मेरे बच्चों को ना आदत हो गई ऐसे पैर छूके दक्षिणा मांगने की, इसीलिए। छोकराओ हाथ नीचे। अरे हाँ बापा दे देंगे मोटा भाई। हाँ अरे हम कहाँ भागे जा रहे, यही तो रहने वाले, जाओ जाओ खेलो। यही आहो मैं शांत ही हूँ। वैसे ना मोटा भाई हम यहाँ नहीं नहीं वाले थे, कहाँ जीनल्ला पप्पा? हाँ जीनेश की मम्मी। लेकिन फिर ना उर्मी बेन ने इतना फोर्स किया ना जबरदस्त कि रूपाल तू सगाई में नहीं आई थी ना, तो अभी तुझे एक हफ्ता अपने बच्चों के साथ मेरे घर आना ही पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ आ गए। उर्मिला इन लोगों को यहाँ क्यों बुलाया तूने? मैंने तो हमारे घर बुलाया था महेंद्र, मुझे थोड़ी पता था कि हमारे घर की छत टूट के गिर जाएगी और हम ही लोग यहाँ आके रहने लगेंगे। मैंने ऐसा बोला था, तेरी बात बराबर है लेकिन ऐसे अचानक थोड़ी आ जाना चाहिए। मींस के
ऐसा बता के आना चाहिए ना कल्पेश। अरे उर्मिला, अगर बता कर आते तो तुम्हारे चेहरे पे और समधी जी के चेहरे पे ऐसे खुशी देखने को कहाँ मिलती है। अन्ना भाई, अन्ना भाई चेहरे पे खुशी नहीं, डर रखी है, वरना ये लोग यही रुक जाएंगे। मैं डर ही रहा हूँ, इनको मेरे चेहरे पे खुशी कैसे नजर आ गई क्या मालूम। देखो। हाँ हाँ कल्पेश, तू आ तो गया है बराबर है, लेकिन हमारे ही घर का रिपेयरिंग चल रहा है, तो हम लोग तो खुद ही समधी जी के घर पे रह रहे हैं। तो मैं क्या बोलती हूँ तू? अरे उर्मिला, समधी जी कौन से पराए है ना समधी जी? पप्पा, मैं क्या बोलती हूँ रुपेश कपल, हम तीनों का यहाँ पे एडजस्ट होना वैसे भी मुश्किल हो रहा है, तो उसमें आप चारों अभी यहाँ पे आके रहने लगोगे तो परेशानी होगी, तो मैं आप लोगों का बंदोबस्त बाहर एकदम अच्छी सी बढ़िया होटल बिटल में कर डालती हूँ ना, है? हाँ हाँ, ये अच्छा है। हाँ हाँ बोलना अन्ना भाई, हाँ बोलना। अभी आप देख लो आपके जोकर है। मुझे आपके मेहमान है, आप देख लो। हाँ मैंने इसके पप्पा, उर्मी बेन ना बिल्कुल सही कह रही है, हम कहीं और जाके रह लेंगे, क्यों आपको भी तकलीफ नहीं होगी, है ना? हेलो छोकरो, अभी क्या हो गया? अरे हम जा रहे हैं, तो दक्षिणा तो दो। पॉकेट नहीं है मेरे पास। आहो, मेहमान ऐसे ही चले जाएंगे अच्छा नहीं लगता ना। बरोबर है, बरोबर है। कल्पेश बिल्पेश, तुम लोग चाय भी पी के जाओ। हाँ, ये नाश्ता करने के टाइम में चाय भाई जमता नहीं। एकलस है ना जिनेल की मम्मी? हाँ मीने इसके पप्पा। अरे तो नाश्ता भी तैयार है, आप खा के ही जाइए। लौकर लौकर निर्मिति, पहले मेहमानों को दे। अरे ना ना बेन, अब तो मेहमान यजमान एक ही हुए ना, है ना जिनेल की मम्मी? हाँ मीने इसके पप्पा, अभी मैं यजमान आप मेहमान है। हाँ आहो, मैं शांत ही हूँ, खाली पेट शांत नहीं है, खाली है ना? अन्ना भाई आप चिंता मत कीजिए, इनको खा लेने दीजिए, फिर इनका बंदोबस्त करता हूँ मैं। अरे नहीं नहीं, सारे पराठे ले लिए, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उनका खून करेंगे हम लोग। होटल में बंदोबस्त करूँगा, होटल में। भारती अगर किती बे, अरे अचार लाना, पराठे खत्म हो जाएंगे इनके। खत्म हो जाएंगे नहीं, खत्म हो गए। बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं ना ये लोग। ये आई आई। अभी ये वाले धीरे धीरे खाना हाँ, अचार के साथ। देन आचार का क्या, आचार डालना है, आने दो ना। बरबर अचार बाय, जा मेहमानों की थाली में जा और नाश्ते का स्वाद बढ़ा, जा बेटा। भारती ये क्या नया शुरू किया तुमने? अन्ना अचार में जीव होता है, दिल से बोलो तो बात सुनता है हमारी। जा बेटा, जा बेटा, सोनू मुझे जानो। महेंद्र मैं क्या बोलती हूँ, आप भी ऐसा यू 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 करके ट्राई कीजिए ना, शायद आ जाए। अरे हाँ, कम से कम आचार खा के तो हम पेट भर सकते हैं। हाँ, अरे भारती ये मेहमानों को बोलने का प्रयत्न करना कि जा मेहमान जाओ जाओ इस घर से बाहर जाओ। बोलो बरबर। एक मिनट भारती। अन्ना भाई
ये खा रहे हैं या खाने की रेस लगा रहे हैं? आपके रिश्तेदार है गुजराती। ओ मराठी मानुस, आप ही ने न्योता दिया था इन दोनों को। अन्ना मुझे मजा नहीं आ रहा है, आप पापा को बोलिए ना कि हमें चिड़ियाघर में बंदर देखने ले जाए। अरे अरे उज्ज्वला बाड़ा, ये यहाँ ऐसे मेहमान आए हैं और तुझे बाहर बंदर देखने जाना है? आप लोग यहाँ घूमने आए हैं? हाँ। ये डॉगी कितना मस्त है ना? हाँ। घर के बंदर से भी अच्छा। हाँ वो तो है, इसके साथ खेल भी सकता है। तुम लोग का खाना हो गया है तो चलो। हाँ सब मिलके खेलते हैं, चलो। वाह 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 वाह, इन बच्चों से कुछ सीखना चाहिए हमें। हा? कैसे एक ही पल में अजनबी से अपने बन गए। और एक हम लोग है उर्मिला बहन, जो अपनों की ओर भी अजनबी की तरह देख रहे हैं। अरे जिनल के पप्पा, मिनेश की मम्मी, आप लोग खाओ, जितना खाना है उतना खाओ। हा? और दूसरी बात, इसे अपना ही घर समझो और जितना रहना है उतना रहो। हाँ खाओ खाओ, दूध दायो। एक मिनट प्रभाकर दादा, आइडिया। गायत्री और अभिषेक, मैं ऐसी परिस्थिति निर्माण करूंगा कि गायत्री और अभिषेक रात के अंधेरे में पार्टी करते हुए पकड़े जाए। ऐसा होगा तो अन्ना और महेंद्र भाऊ बोलेंगे कि शादी से पहले लड़का लड़की का एक छत के नीचे रहना अच्छा नहीं है। अरे वो नहीं बोलेंगे तो हम दोनों है ना, आप तुरंत बोलेंगे अन्ना से कि अन्ना महेंद्र भाऊ की फैमिली को और हमारी फैमिली को इस तरह एक छत के नीचे नहीं रहना चाहिए। अच्छा और तू क्या कहेगा? अरे मैं कहूंगा कि मैं सहमत हूँ आपकी बात से, कि प्रभाकर दादा की बात एकदम सही है, मैं आपकी बात का समर्थन करूंगा ताकि सारी बात का श्रेय आपको मिले। आप लेंगे ना श्रेय? लेंगे ना? हाँ। बस तो फिर अब किसी तरह अभिषेक और गायत्री रात के अंधेरे में एक दूसरे के आलिंगन में पकड़े जाए। ऋतिक रानडे, उसका बंगलो खाली है ना? हाँ वो। मैं सारी व्यवस्था वहीं करता हूँ। आपने कहा था ना कि आपको बाथरूम खाली मिले तो नारियल फोड़ना, इसलिए मैंने नारियल फोड़ा। वही नहीं, नारियल फोड़ा का इशारा ऐसे कैसे? अरे मेरे पैर में जब फोड़ा आया था तो मैं ऐसी तो चल रही थी, तो ये फोड़ा का इशारा था। लेकिन वो फोड़ा का इशारा ऐसे भी तो आप इशारे में कहाँ उलझ रहे हैं, जाइए जल्दी बाथरूम। चलो अन्ना भाई, आपका बाथरूम एकदम ऐसा साफ चकाचक कर डाला है आपके लिए। धन्यवाद धन्यवाद। और अभी आपका ये सब कचरा साबुन टूथपेस्ट सब फेंक दीजिए। और ये लीजिए नया शैम्पू, फेस वॉश, माउथ वॉश और टूथपेस्ट, इम्पोर्टेड है, मस्त। अच्छा मतलब हमारा सब कचरा और आपका मस्त है? ये है ना, मुझे नहीं चाहिए ये, आप किसी और को, ज्योत्सना को पूछो। अच्छा वो भी आ रही है साथ में नहाने? क्या आप कुछ भी क्या बोल रही है? अरे मजाक मजाक, ओए एडल्ट्स थोड़ा मजाक किया उसमें क्या अभी? भाई देखो उर्मिला बहन, ऐसा मजाक मेरे साथ में नहीं करने का। आपकी गुजराती जबान में हड्डी नहीं है क्या? ले तो आपकी मराठी जबान में हड्डी होती है? एक तो मैं इतने प्यार से मेरे भाई ऐसा समझ के ये सब आपके लिए लेकर आई, और आपको तो बहाना ही चाहिए होता है मेरे साथ झगड़ा करने का। मैं जा रही हूँ राजकोट। हाँ जाओ जाओ, खुशी मिलेगी हमको। जोयू जोयू जोयू, ज्योत्सना बहन आखिर दिल की बात आ गई ना जुबान पर, सिर्फ बहाने बनाते हैं ये हमारे दुख में दुखी होने के, सब झूठ है। असलियत तो ये है कि आप चाहते ही नहीं थे कि हम यहाँ रहे। मैंने जैसे ही जाने की बात की तो मन में लड्डू फूटने लगे, क्यों? वो भी आपकी गोखले बंदूक के। अरे पूरी बात में हमारी दुकान को क्यों बीच में ला रही हो आप? लड्डू आपकी दुकान पे नहीं क्या मिलते? हाँ लेकिन फूट तो आपके मन में रहे हैं ना। हाँ फूट रहे लड्डू,
बहुत खुशी मिलेगी आप लोग के जाने से। इस घर को अपना ही घर समझो उर्मिला बहन, ये बोल के बहुत पछता रहा हूं मैं। और आप लोग कम थे कि वो कल्पेश ने, रूपल ने, जिन्नल ने, पिंडल ने, टिंडल ने, वो सब लोग भी रुक गए इधर।